हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एज गुरु। और आज हम लोग इस वीडियो में 64th बीपीएससी का सातवां सेट देखेंगे, जिसमें आज पार्ट टू होगा और इसमें कुल 50 प्रश्न होंगे और सभी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। पांच ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 51 का सही उत्तर है ऑप्शन ई, एक से ज्यादा। ठीक है, नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ पटेल दोनों ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? 52 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर कोकलैंड का। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा हुई थी। पांच ऑप्शन है आपके सामने, सही उत्तर आपको चूज करना है। 53 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 जून 1947 को। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था। पांच ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 54 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लाल कुर्ती नामक एक संगठन बनाया था। भारतीयों के शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था कौन से एक्ट में? 55 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1813 के एक्ट में, और इसी एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार व्यापार पर से खत्म कर दिया गया। केवल चाय और चीन के व्यापार को छोड़ के 1833 के एक्ट में चाय और चीन के साथ व्यापार का जो एकाधिकार था वो भी समाप्त कर दिया गया। 1786 का एक्ट, इसमें गवर्नर जनरल को अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिल गया था। 1784 का एक्ट, जिसे हम लोग पीट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ था। और 1833 के एक्ट में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई थी। और एक मैंने आपको बताया दिया, चीन और चाय के साथ जो व्यापार का एकाधिकार था वो भी समाप्त कर दिया गया। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट लाए गए थे। पांच ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, कौन सी ईस्वी में लाए गए थे? 56 का सही उत्तर है ऑप्शन ई, एक से ज्यादा। ठीक है, 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में। ठीक है, ये चारों ईस्वी में जो है मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट लाए गए थे। ठीक है, 1878 को हम लोग देशी समाचार पत्र अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? पांच ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 57 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए, किसने कहा था? 58 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, किसने लिखा था? पांच ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। 59 का सही उत्तर, 59 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन आपको चूज करना है। पांच ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 60 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी और इसकी स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, और इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, और इनकी लिखी हुई पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। बहुजन समाज के संस्थापक थे, बहुजन समाज। 61 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुकुंद राव पाटिल। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, किसने कहा था? 62 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने। वह समाचार पर जिसने क्रांतिकारी काल में कांग्रेस की आलोचना नहीं की थी। पांच ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 63 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लीडर।
ठीक है, और इसे निकालते थे मदन मोहन मालवीय, ठीक है, केसरी, बाल गंगाधर तिलक। और बंगवासी का प्रकाशन 1890 में पंडित रामलाल चक्रवर्ती के द्वारा किया गया था। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? 64 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुलिन दास ने। हार्डिंग बम कांड या दिल्ली षड्यंत्र 1912 में किसे फांसी की सजा नहीं दी गई? पैंसठ का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रास बिहारी बोस, यही षड्यंत्र करता थे और बम इन्होंने ही फेंका था, लेकिन बाकी तीनों वसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद और अवध बिहारी को फांसी की सजा मिली। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की जांच के लिए कांग्रेस समिति के अध्यक्ष थे? छियासठ का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय, और इसके सदस्य थे चितरंजन दास, महात्मा गांधी, बद्रुद्दीन तैयब जी और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, चितरंजन दास भी थे। इस आंदोलन के दौरान गढ़वाल राइफल्स के एक टुकड़ी के हिंदू सिपाहियों ने मुसलमान भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? सड़सठ का सही उत्तर, सड़सठ का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। त्रिपुरी संकट का समय है? अड़सठ का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1939 में यह अधिवेशन त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसमें बोस ने स्वयं भी अध्यक्ष बने रहने की इच्छा जाहिर की, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया और इसके बाद चुनाव हुए। चुनाव में बोस को 1580 मत मिले और गांधी जी के समर्थित पट्टाभि सीतारमैया को 1377 वोट मिले और सुभाष चंद्र बोस जीत गए, लेकिन अंततः 1939 में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद 1939 में अध्यक्ष बने। देशी रियासतों के विलय के संबंध में ऑपरेशन पोलो का संबंध किस रियासत से है? 69 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैदराबाद रियासत से, ठीक है। 15 अगस्त 1947 तक कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, इन तीनों को छोड़कर बाकी 500 रियासत, मतलब देशी रियासत, भारत में विलय करने को राजी हो गए और 20 फरवरी 1949 को जूनागढ़ का विलय जनमत संग्रह के द्वारा भारत में किया गया। उसके बाद हैदराबाद का 1 नवंबर 1948 को विलय किया गया ऑपरेशन पोलो के द्वारा, और कश्मीर का विलय 20 फरवरी 1949 को भारत में किया गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में कौन सी सरकार सबसे लंबी चली? सत्तर का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र के सतारा में नाना पाटिल और वाई वी चौहान के नेतृत्व में पराती सरकार, ठीक है। ये सभी उस समय स्थापित समानांतर सरकारें थी, बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, जो कि पहली समानांतर सरकार थी, बंगाल में सतीश सावंत के नेतृत्व में तामलुक जातीय सरकार, और बिहार के सुल्तानपुर के भागलपुर में कांग्रेसियों द्वारा स्थापित समानांतर सरकार थी, और ये पराती सरकार 1945 तक चली। गांधी जी के संघर्षों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? 71 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2, 1, 4, 3, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 में, और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान 1919 में। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की? 72 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने नमक कर के विरोध में 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहां से प्रकाशित होते थे? तिहत्तर का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बंगाल से।
1905 के बाद अनेकों समाचार पत्र क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने लगे। इसमें बंगाल में संध्या और युगांतर तथा महाराष्ट्र में काल प्रमुख था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थान और वहां के नेतृत्वकर्ताओं की सूची को मिलान करना है। 74 का सही उत्तर, 74 का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और ए का पहला। सैयद हैदर रजा दिल्ली, ठीक है, चिदंबरम पिल्ले मद्रास, लाला लाजपत राय पंजाब और हरी सर्वोत्तम राव ये हो गए आंध्र प्रदेश के। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन को देश के दूसरे भागों में विशेषकर मुंबई मद्रास उत्तर भारत में फैलाने में प्रमुख भूमिका बाल गंगाधर तिलक की रही। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पंजाब में लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह ने, दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने, मद्रास में चिदंबरम पिल्ले ने और आंध्र प्रदेश में हरी सर्वोत्तम राव ने संभाला। 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं और सरकारी प्रवक्ताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन किस उद्देश्य हेतु आयोजित हुआ था? पचहत्तर का सही उत्तर है ऑप्शन ए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार हेतु। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को मेलुहा के नाम से जाना जाता है? छिहत्तर का सही उत्तर है सी, सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति। मेलुहा सिंधु संस्कृति का प्राचीन नाम है। 2350 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंधों की चर्चा है। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख मिलता है, दिलमन और माकन, और ये दोनों मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच में स्थित थे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 77 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से ज्यादा इसमें सही होगा। ठीक है, जिसमें कि दक्षिणापथ राजधानी है सुवर्णगिरी और कलिंग की राजधानी है तोसली और बाकी ये दोनों उत्तरापथ तक्षशिला अवंती उज्जैन दोनों सही है। ठीक है, और उस समय पूरा मौर्य समाज पांच प्रदेशों में विभक्त था, जिसमें कि चार तो ये हो गए और पांचवा था मध्य प्रदेश जहां की राजधानी थी पाटलिपुत्र। गुप्त काल में अर्धनारीश्वर के रूप में किसकी कल्पना की गई है? अठहत्तर का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भगवान शिव की। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनारा में किसे दिया था? 79 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, परिवराजक सुभच्छ को। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से युगल शवाधान के प्रमाण मिले हैं? 80 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोथल से। किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा गया है? 81 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। ठीक है, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। मलिक काफूर को किस आक्रमण के तहत बंदी बनाया गया था? 82 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात आक्रमण के दौरान। जब दिल्ली सल्तनत की सेना गुजरात आक्रमण के दौरान गुजरात अहिलवाड़ को लूटते हुए सोमनाथ मंदिर में लूटपाट कर रही थी, तभी उसने मलिक काफूर को बंदी बनाया और अलाउद्दीन को सौंप दिया, जिसने शीघ्र ही सुल्तान का विश्वास जीत लिया और सैनिक अभियानों का नेतृत्व बाद में करने लगा। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व कृषि उपज का आधा मतलब 50% तय किया? तिरासी का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। हरिहर और बुक्का किस राज्य के सामंत थे? 84 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, काकतीय राज्य। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ये दोनों वारंगल के काकतीय राजा के यहां सामंत थे और बाद में कांपली राज्य मतलब आधुनिक कर्नाटक में मंत्री बन गए। फिरोज शाह बहमनी के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? 85 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वह भारत में अफगान शासन स्थापित करना चाहता था।
फिरोज शाह बहमनी डक्कन को भारत का सांस्कृतिक केंद्र बनाने हेतु कटिबद्ध था। उसने पूर्व विधान मतलब ओल्ड टेस्टामेंट और नव विधान न्यू टेस्टामेंट दोनों को पढ़ा था। वह डक्कन में सिर्फ शासन करना चाहता था, न कि अफगान शासन स्थापित करना चाहता था। कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड के रूप में जमाव को क्या कहते हैं? 86 का सही उत्तर है ऑप्शन सी करेवा। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। करेवा हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड के रूप में जमाव को कहते हैं। यहाँ जाफरान मतलब केसर की खेती की जाती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है? 87 का सही उत्तर है ऑप्शन सी ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को। उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? 88 का सही उत्तर है ऑप्शन बी मिजोरम को। उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, जो कि मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? 89 का सही उत्तर है ऑप्शन सी झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 90 का सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2 और 3। थाल घाट पश्चिमी घाट का एक प्रमुख दर्रा है, जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। पश्चिमी घाट के सह्याद्री श्रेणी में अवस्थित यह पर्वतीय दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। पाल घाट पश्चिमी घाट में अवस्थित यह दर्रा दक्षिण भारत के केरल राज्य में है। नीलगिरी पहाड़ियों तथा अन्नामलई पहाड़ियों के बीच स्थित यह दर्रा केरल तथा तमिलनाडु राज्यों के बीच यातायात के लिए प्रमुख मार्ग की भूमिका निभाता है। भोरघाट महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित एक बेहद खूबसूरत दर्रा है। यह दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। दीफू दर्रा भारत और म्यांमार के बीच अवस्थित दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। काजू की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? 91 का सही उत्तर है ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। भारत का पहला जीव मंडल निचय कौन सा है? 92 का सही उत्तर है ऑप्शन डी नीलगिरी जीव मंडल निचय। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। संकटापन जीव समुद्री गाय कहां पाई जाती है? 93 का सही उत्तर है ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी में। कोपेन द्वारा विकसित जलवायु के वर्गीकरण में किस पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया जाता है? 94 का सही उत्तर है ऑप्शन बी आनुभाविक पद्धति। हिमयुग और अंतर हिमयुग पृथ्वी के विकास के किस कालखंड से संबंधित रहे हैं? 95 का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्लिस्टोसीन युग से। क्वेटो प्रोटोकॉल का संबंध है? 96 का सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है क्योटो प्रोटोकॉल, जिसकी उद्घोषणा 1997 में की गई थी, ठीक है, और सन 2005 में इस प्रोटोकॉल में की गई उद्घोषणा को प्रभावी किया गया। कास्ट स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? 97 का सही उत्तर है ऑप्शन सी भौम जल के द्वारा। किसी भी चूना पत्थर या डोलामाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया और उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने स्थल रूपों को कास्ट स्थलाकृति का नाम दिया गया है। यह नाम एड्रियाटिक सागर के साथ बाल्कन कास्ट क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित स्थलाकृतियों पर आधारित है। अपरदनात्मक तथा निक्षेपणात्मक दोनों प्रकार के स्थल रूप कास्ट स्थलाकृतियों की विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई?
98 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत। वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटने का आधार है। 99 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, टेम्परेचर मतलब तापमान। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न संस्तरों में बांटा गया है। यह है सौम मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, वाय वायुमंडल और बहिर्मंडल। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी? सौ का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अब्राहम आर्टेलियस ने। अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ की तट रेखा में आश्चर्यजनक सममिति है। इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिणी तथा उत्तरी अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया था। विज्ञान के इतिहास से ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1596 में एक डच मानचित्र वेत्ता अब्राहम आर्टेलियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था। एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मुझे आशा है कि वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूले, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।